बोकारो के चास प्रखंड के कुमरी गांव में दामोदर नदी और दामोदर जोरिया किनारे भगवान विष्णु के पदचिन्ह शिला में मौजूद हैं। यहां लोग भक्ति भाव से इसकी पूजा अर्चना करते हैं। पदचिन्ह के बाहर एक शिला में कुछ लिखा है जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया। स्थानीय लोगों की माने शिला में जो बात लिखी हुई है इसमें एक खजाने का रहस्य है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सतयुग में भगवान विष्णु इस मनोरम जगह पर आए थे। लोगों में ये चर्चा पूर्वजों के जमाने से है कि भगवान विष्णु दामोदर और इस जोरिया के निकट भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थापित करना चाहते थे, लेकिन रात के 12 बजे के करीब मुर्गे ने बांग लगा दी, जिसके कारण भगवान विष्णु ने मंदिर को यहाँ स्थापित करने के बजाय जगन्नाथपुरी में ले जाकर स्थापित कर दिया। ये विष्णुपद मंदिर का ये मान्यता है यहाँ जगन्नाथपुरी बनने वाला था, तो जैसे भोर 4 बज गया मुर्गा बांग देता, मुर्गा जब बांग दिया तो भगवान विष्णु यहाँ से रूट करके उड़ीसा में वहाँ जगन्नाथपुरी बनाया। यहाँ विष्णु जी संग जो उतरा है उसका पदचिन्ह है, आप लोग स्वयं स्वयं देख सकते हैं। उसके बाद लिखावट है, लिखावट दूर दूर से आदमी आया, संटेक्स्ट भी आया, आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। हम लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं जी इसमें ही अगर पढ़ देगा तो इसमें खजाना छिपा हुआ है, जो पढ़ देगा इसका खजाना उसी को होगा। इसका मान्यता है बहुत प्राचीन काल का है। यहाँ जगन्नाथपुरी बनना था, ये दामोदर किनारे में है, तो भगवान विष्णु आया था यहाँ पर जगन्नाथपुरी बनाने के लिए। तो रात 12 बजे में जो मुर्गा बन गया तो उसी में बंद हो गया उड़ीसा में बना। हमारा माता पिता बोलता, उसको माता पिता भी बोलता था, आज का नहीं है, बहुत प्राचीन। यहाँ से जाने के दौरान विष्णु ने शिला में अपने पदचिन्ह छोड़ दिए ताकि लोगों को इसका दर्शन होता रहे। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस पदचिन्ह वाले शिला स्थल से एक पत्थर ले जाया जा रहा था, लेकिन बगल के गांव बेलुंजा के पास वो पत्थर जाकर रुक गया और सोना बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया शिला पर लिखी लिपि को पढ़ने के लिए अखंड मंडलेश्वर श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव जी यहाँ आए थे, लेकिन वो भी इस लिपि को पढ़ने में कामयाब नहीं हुए। इसके अलावा कई साइंटिस्ट भी इस लिपि को पढ़ने में नाकामयाब रहे हैं। जिस जगह पर विष्णु का पदचिन्ह है वो स्थल काफी मनोरम है। जोरिया से पानी का झरना बहता है। इस जगह को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। वहीं इस पदचिन्ह वाले स्थल से महज कुछ ही दूरी पर भगवान भोलेनाथ का आपरूपी शिवलिंग है जो आदिकाल से यहाँ मौजूद है, जिसको चिचका धाम के रूप में भी जाना जाता है। इस जगह से सटे दामोदर नदी के उस छोर पर धनबाद जिला है। बहुत प्राचीन मंदिर है हम लोग का, मतलब बहुत पूर्वज, मतलब पूर्वज का भी पूर्वज लोग यहाँ पे जो शिवलिंग है वो हम अपने भूफोड़ है, वो स्थापना किया हुआ नहीं है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ बहुत ज़्यादा जागरूक होते होते मंदिर बना। ये जो है विष्णुपद है, यहाँ पे भगवान विष्णु आए थे, उनका पैर का निशानी है, शंख चक्र गदा पद उनका निशानी है यहाँ पर। विष्णुपद के बारे में जब से हम यहाँ आए तब से सुनते हैं कि यहाँ से प्राचीन काल से ही पूजा होते हुए आ रहा है, और विष्णु भगवान विष्णु जी का पद का निशान यहाँ है, यहाँ पर सबको पूजा करने आते हैं। चेचकेश्वर धाम जो मंदिर है वो अपने आप, कौन सा मंदिर का निर्माण हुआ था, अपने आप वहाँ पे सबको आते हैं पूजा करने। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।